डॉक्टर मानशो से कि मैं आज आपको एमआरआई स्टडी हमारी फिशलोग्राम की स्टडी में आपको फिशला इनो कैसे ठीक करते हैं, कैसे आप झारसूद विधि से आज का ऑपरेशन करेंगे। और ये बड़ा केस था और इसको ठीक करने में 3 मंथ लग गए और साथ में इसका टीएलसी बहुत रेस था, लगभग 20,000 से वो था, तो इसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी जब ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन तो आसानी से हो गया था, बाद में टीएलसी बढ़ने की वजह से तो एप्स जैसा जो ये हीलिंग होने में टाइम लगा था और ये काफ़ी जो एप्स कैविटी था एक्सटर्नल ओपनिंग वो काफ़ी बड़ी धीरे धीरे हो जा रही थी, तो इसका ठीक होने के समय लगभग 3 मंथ लग गया था पूरा ठीक होने में। इसमें देख सकते हैं हमारी आपकी स्किन पे, इसमें लिखा देयर इज एविडेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड लोबुलेटर हाइपर इंटेंस कलेक्शन मेजरिंग 67x45 mm साइज, जो साइज इन बायलेटर नेटर लेफ्ट एक्सटेंडिंग अलोंग पेरिएनल एंड पेरिरेक्टल रीजन विथ हाइपर इंटेंस ट्रैक सीन रनिंग फ्रॉम द कलेक्शन एंड द कोर्सिंग टुवर्ड द इनर वज एंड ओपनिंग एट 2 o'clock इंटरस्पेंटिक लोकेशन। इसकी इंटरनल ओपनिंग 2 o'clock पे थी और साथ में ये कोर्स कर रहा था स्पिंटर्स को और इंटरस्पेंटिक स्पेस में एक एब्सेस से कलेक्शन हो रहा था जिसका एंटीरियर हार्ट शेप कह सकते हैं फिशला ट्रैक बन रहा था, काफ़ी एब्सेस कैविटी था और ये इश्यू एनल फोसा इश्यू रेक्टल फोसा तक इसका कलेक्शन जा रहा था, काफ़ी डीप था और इसको रेक्टोग्रेड अंदर से प्रोबिंग करके इसको 400 लाइगेट किया गया था और जो ऊपर को बाहर देख रहे हैं ये कलेक्शन बहुत ही काफ़ी सीवियर हो गया था, तो इसका ड्रेसिंग बराबर हो रही थी इसलिए क्योंकि घाव भर जाए धीरे धीरे और जात्यात तेल से पैकिंग कर रहे थे, धीरे धीरे ये 1 महीने में घाव कम हो गया था 70%, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गया था, पूरा 3 महीने लगा था पूरा ठीक होने में, काफ़ी बड़ा केस था और ये पेशेंट एकदम स्वस्थ हैं। ऐसे देख सकते हैं हमारी में ये सेक्शन में जब पेशेंट स्टैंड पोजीशन में रहता है वहीं जो पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन में रहता है, कोरोनल और एक्सियल व्यू है दोस्तों दोनों के, तो इसमें ऐसे कलेक्शन है दोनों इंटरस्पिटिक्स पे एंटीरियर स्पेस में पूरा एंटीरियर शेप में हार्ट शू शेप एंटीरियर एस्पेक्ट में हार्ट शू शेप फिशुलर जैसे ट्रैक बन गया था, काफ़ी बड़ा ट्रैक था। नीचे लिखा लार्ज पेरिनल एब्सेस इंटरस्पिटिक फिशुलर 2 o'clock पोजीशन एज डिस्क्राइब, तो वही जो उसमें डिस्क्राइब किया गया तो वही डिस्क्राइब किया गया। तो दोस्तों ये रही हमारी फिशुलोग्राम की स्टडी के बारे में, कैसे हमारी रिपोर्ट पढ़ के केस आसान हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है जब आप सर्जरी करते हैं या फिर आप छासूस विधि से ऑपरेशन करते हैं तो आसान हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने में रुकना है क्या नहीं करना, सब पूरा आइडिया हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी फिशला इनो मारी, फिर अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो बन सके।